थैंक्स बेटा, थैंक्स थैंक्स. मुझे भूल गया, मैंने माइक ऑन नहीं किया. ऑल राइट, द मास इन ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ 75 ऑरेंजेस इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट्स आर समराइज इन द टेबल. फ्रीक्वेंसी 75 ऑरेंजेस है हमारे पास. वन ऑफ दीज ऑरेंज इज चूजन एट रैंडम एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज अ मास ग्रेटर देन 200 ग्राम्स. सो 200 से जो ग्रेटर है वो यही दोनों है. आपको नजर आ रहा है 200 से 210 और 210 से 220. ये वाला नहीं आता बिकॉज यहाँ पे, ये वाला नहीं आता बिकॉज यहाँ पे 200 जो है इक्वल है, लेस देन 200 और इक्वल्स टू 200 लिखा हुआ है. 13 प्लस 5 23, सो 23 आउट ऑफ 75 इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस ऑरेंज इज द मास विद द ग्रेटर देन 200 ग्राम्स. कैलकुलेट एस्टिमेट ऑफ द मीन, मैंने आपको बताया था मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ. क्योंकि अभी कैलकुलेटर वर्जन क्वेश्चन है तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस इज माय एफ पार्ट एंड दैट इज माय X is not available, so we'll find out midpoint. X is my midpoint. So please use your calculators. Midpoint find करने का तरीका ये है 160 plus 170 divided by 2. Halfway निकालने का यही तरीका होता है. तो 160 और 170 को add करें, divide by 2 करें तो 165 आ जाएगा. ठीक है. Then 170 और 180 का midpoint is 175. 180 and 190 का it's 185. 190 और 200 का इट्स 195 एंड 200 से 210 का 205 इज द मिड पॉइंट. 210 और 220 का आएगा 215. ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट समेशन एफएक्स. तो एफएक्स का कॉलम बनाना जरूरी है. तो 165 मल्टीप्लाई बाय 4, बेटा यूज योर कैलकुलेटर एंड टेल मी 165 मल्टीप्लाई बाय 4 इट्स 660. ओके, 175 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 1750. यस आंसर 185 मल्टीप्लाई विद 15 2775. 195 मल्टीप्लाई बाय 23 इट्स 4485. 205 मल्टीप्लाई विद 18 इट्स 3690. 215 टाइम्स 5 सो इट्स 1075. सो लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम हियर. फिर हम इनको कॉपी करेंगे नीचे 660 प्लस 1750. इधर आसान है, इधर इनको ऐड करना 2775 प्लस 4855 प्लस 3690 प्लस 1075. सो द आंसर इज 14805. सो ये आ गए जी, तो 14805. अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे मत लिखें, आप लोगों ने ये मिटा के पहले ये सारे वैल्यूज लिख लो. इधर 660 प्लस 1750 प्लस 2775 प्लस 4855 प्लस 3690 प्लस 1075 डिवाइड बाय 75. देयर आर 75 ऑरेंजेस, फ्रीक्वेंसी इज 75. ऊपर ऐड किया तो आया 14805 डिवाइड बाय 75. तो डिवाइड बाय 75 करके देखते हैं तो आ रहा है 197.4 इज द मीन ग्राम मीन मास. ठीक है, मीन मास ऑफ ऑरेंज के ऑन एवरेज इतना है. ऑल राइट, अगर इसी क्वेश्चन में आपको मोड निकालना पड़ जाए तो मोड होती है बेटा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो ये यहाँ पे मोड क्लास आएगी. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्योंकि 23 है और 23 बिलोंग करती है 190 से 200, तो आपने लिखना होगा आंसर लाइन पे 190. मास इज ग्रेटर देन 190 बट लेस देन और इक्वल्स टू 200. देखे ना, मीन और मोड मिलते जुलते हैं, मीन भी इसी के अंदर आ रहा है. ओके okay. रेंज ऑफ द रेंज, रेंज अगर निकालनी पड़ जाए तो हाईएस्ट जो है 220 है आपके पास और लोएस्ट जो है आपके पास 160 है. तो 220 माइनस 160 इज 80 ग्राम्स का फर्क जो है ये ऑरेंजेस के अंदर है. ठीक है, सबसे बड़ा ऑरेंज 220 ग्राम का, सबसे छोटा ऑरेंज जो है 160 ग्राम का है. और अगर इसमें मीडियन निकालना पड़ जाए तो बस आसान चीज़ है. और आसान क्या है बेटा, कि मीडियन इज इक्वल्स टू एज वी कैन सी दैट एन इज इक्वल टू 75. क्या ये ऑड नंबर है बेटा आपके पास? ऑड है आपके पास कि नहीं? यस और नो बेटा, यस और नो? यस सर, सो इट्स एन ऑड नंबर. सो ऑड नंबर का फॉर्मूला है एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2. तो 76 डिवाइड बाय 2. सो 76 डिवाइड बाय 2 देखें कहाँ पे आ रहा है. 76 डिवाइड बाय 2 इज 76 डिवाइड बाय 2 इज बाय 2 इज 38. तो 38 ऑरेंज ढूंढना है आपने, कि 38 नंबर का ऑरेंज कहाँ पड़ा हुआ है. सो इसके लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो एक लाइन लगा लेते होते हैं इधर ही, हमेशा इधर लिख लेते हैं छोटा सा सी एफ. फर्स्ट वन को एज इट इज लिख लें, 4. 4 प्लस 10 इज 40, सॉरी इट्स 14. रोजाना यार, 4
14 plus 15 is 29. 29 plus 23 is 29 plus 23 is 52 plus 18 is 70 and 70 plus 5 is 75. देखें जी लास्ट में आपके पास 75 आ गया, मतलब 75 ऑरेंजेस ही थे, तो ये आपने गलती नहीं की है इसमें. अब देखें जो आपके पास आपका 38 ऑरेंज है वो यहाँ पर आएगा यहाँ पर, क्योंकि 52 के अंदर 38 आ सकता है, 29 के अंदर नहीं आ सकता. तो हमारे पास जो मीडियन क्लास है वो भी 190 to 200 है, तो मीडियन इज इक्वल्स टू 190. Mass is greater than 190 and less than equals to 200. Is this clear, everybody? Yes or no? समझ आ गई बेटे सबको? चलें, that's very good. बस यही था आपका statistics और यही paper में आप. अच्छा ये देखें फिर cumulative frequency curve को खाली plot करना होता है, बस एक एक दो करता हूँ आपको समझ आ जाएगी. 160 to 170 तो अब आपने cumulative frequency plot करनी है. अच्छा ये ना हो कि आप लोग 4 लिख लो, 4 लिखना है इस केस में, first one है, लेकिन आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रेड वाले नंबर्स देखने हैं. तो 170 पे 4 को प्लॉट करें, एक जरा गौर से देख लें. अच्छा बेटा 170 में मैं कर रहा हूँ प्लॉट 4 को, ये हो गया जी 4 प्लॉट. अब जरा देखें दूसरे वाला, देखें मैंने क्या उठाना है. दूसरे वाला देखो बेटा, 180 पे मैंने 14 लिखना है, 10 नहीं. इज दिस क्लियर? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फ्रीक्वेंसी नहीं. तो 180 पे 14, 180 पे 14, तो 180 पे 10, 11, 12, 13, 14, ये आ गया इधर. सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, ये हो गया इधर, तो ये हम मिटा देते हैं, गलत चुकी है. फिर हमारे पास आ रहा है 190 पे 29, 190 पे 29 है, 190 पे है 29, 190 पे 29, और 200 पे था 52, मुझे याद है. ओके लास्ट वन देख लेते हैं जरा, 52, 210 पे 70 और लास्ट वाला है 75, तो 210 पे है इट्स 70 और लास्ट वन जो है वहाँ पर 20 पे था 75. 75 यहाँ पर. अच्छा 80 पे नहीं क्रॉस कर देना, 75, 80 और इसके दरमियान में. नाउ ज्वाइन कर लें इन सारे पॉइंट्स को, तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनेगा एक अच्छा सा. और ये रूलर से नहीं करना, ये फ्री हैंड होता है. अच्छा स्मूथनेस मेंटेन करने की कोशिश करें कि पॉइंट टू पॉइंट जाएं, आपकी स्मूथनेस जो है डेफिनेटली आएगी. लिया अब इधर वही काम करना होगा, मीडियन 50%, क्लास ए के क्लास बी के इंटर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल, ये सारा कुछ अब आपने यहीं पर इसको अप्लाई करना होगा. ठीक है, आई एम नॉट प्रोसीडिंग विद दिस टॉपिक मेनी मोर बिकॉज आई एम ऑलरेडी डन विद एन आवर एंड आई नो दैट कि आप लोग इसको ऑलरेडी कर चुके हैं. इज दिस क्लियर? मैंने बहुत सारी वीडियोज इस पर बनाई हैं, कोशिश की है कि आपको एक रिवाइज करा दूँ क्विक सा. ठीक है, अब मैं मूव कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर. काइंडली प्लीज फोकस everybody, transformation पे आ जाएं जी. अगर transformation के questions आज नहीं हो सके तो notes खाली लिख लेंगे हम लोग. transformation in IGCSE there are 4 types of transformations, तो one by one discuss करेंगे. first one is translation. translation का मतलब है, the meaning of translation is sliding. कोई भी shape slide हो जाती है. ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक शेप बना रहा हूँ आपके सामने, प्लीज पे अटेंशन. ये मैंने ग्रिड इसी लिया है ताकि शेप अच्छी बन जाए. ओके जी, आई एम गोइंग टू स्लाइड दिस पर्टिकुलर शेप. मुझे इसको जरा थोड़ा सा स्लाइड करना है, जरा चेक करें बेटा. मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ थोड़ा सा, और मैं इसको स्लाइड करके कुछ यहाँ पे लेकर आ गया हूँ. ठीक है जी, ओके मैंने इनको नेम दे दिए थोड़ा सा, अब मैं इनको जरा नाम भी दे दूंगा. ये हो गया मेरा ए एंड दैट वन इज माई बी. ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन वो एग्जामिनर आपको कहेगा डिस्क्राइब fully single transformation that maps A onto B. A से B तक आना होगा, तो हमें चाहिए वेक्टर, हमें चाहिए होगा वेक्टर. तो दो मार्क्स के लिए होता है, तो पहले आप लोग लिख लोगे कि एक नंबर मिल जाएगा आपको ट्रांसलेशन का नाम लिखने पे, दैट इट इज स्लाइडिंग. ये शेप चेंज नहीं हुई, साइज चेंज नहीं हुई, रोटेट नहीं हुई, फ्लिप भी नहीं हुई, तो ये स्लाइड हुई है. ओके आपने बॉक्सेस को काउंट करना होता है कि कितना राइट लेफ्ट गई है. तो वेक्टर का आपको पता है, ऑलरेडी वेक्टर्स के अंदर भी पढ़ाया है मैंने कि राइट लेफ्ट होता है, तो ऊपर वाला एक्स कंपोनेंट होता है, नीचे वाला वाई कंपोनेंट होता है. जरा चेक करें बेटा, ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, सो आई एम गोना टेक दिस मच राइट. सो काउंट द बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9. पेपर में डिपेंड करता है, अच्छा हो सकता है आपके पास वहाँ पे बॉक्सेस कुछ और हों. तो यहाँ पे आ रहा है 9 एंड हाउ मच इज इट इज गोइंग डाउन, सो इट इज 4 टूवर्ड्स डाउन, सो -4. अगर ये रिवर्स हो जाए, बी टू ए आ जाए, बी ऑन टू ए,
तो खाली इस वेक्टर के साइंस डिस, यस 9 माइनस, इसके खाली साइंस आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है बेटा। इस चीज को आपने याद रखना है, ये बहुत आसान टॉपिक है, इसके नंबर आपके नहीं जाने चाहिए क्योंकि आसान ये चीजें, ठीक है। ऑल राइट, देन वी हैव द सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर फॉर एग्जांपल ये आ जाता है, कहता है ट्रांसलेट ट्रांसलेट बी ऑन टू सी ऑन टू सी बाय द वेक्टर टू टू, ठीक है, टू राइट और टू अप जाके आप इसको ट्रांसलेट करो बी को। तो जरा देखें, बी से मैं टू राइट ले रहा हूँ और टू अप जा रहा हूँ, अच्छा पे अटेंशन। सो मैं बी से टू राइट लूंगा और टू अप, तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट ले रहा हूँ, तो इट इज टू टूवर्ड्स राइट एंड टू अप। देखें जी, ये वाला पॉइंट आ गया मेरा यहाँ पर, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी। तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल को बना लूंगा, तो थ्री बॉक्सेस हो गए मेरे यहाँ पर एंड दिस इज माई कंप्लीट शेप। तो ये हो गया मेरा सी। सर देख लो, यहाँ से भी आप देख लो, इट इज यहाँ से भी देख लो, मैं थोड़ा सा अगर आप लोगों को समझा दूं कि इट इज टू राइट एंड टू अप, सी, सो फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट इट इज करेक्ट। चलिए, आई थिंक इट्स द मोस्ट इजीएस्ट वन। ओके, नाउ वी हैव टू, सेकंड वन इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन अगेन इट इज फॉर टू मार्क्स इन द एग्जाम पेपर, इट हैज टू थिंग्स। रिफ्लेक्शन इज द मिरर इमेज, यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग दैट इट इज द मिरर इमेज। And we also have a mirror line in it. Mirror line होती है हमारे पास, ठीक है। जैसे for example मैं आपके सामने यहाँ पे grid बना रहा हूँ, ये paper में ऐसे already आपके सामने already होता है, ठीक है। For example assume करें कि ये एक एक box 1, 2, 3 की values show कर रहे हैं, अच्छा time लगता है फजूल का 1, 2, 3 लिखने में, चलो एक grid लगा लेते हैं, मैं क्या करूँ। सर एक question है मेरा। जी जी बोले सर, IGCSE में अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन मैट्रिक्स का आ जाए तो वो एक्सक्लूडेड है? बेटा IGCSE में मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में आया है ना सर? नहीं आता बेटा, जब से सिलेबस चेंज हुआ नहीं आया, मैट्रिक्स वो देते ही नहीं है, ठीक है। 2018 में सिलेबस चेंज हुआ, उसके बाद नहीं आया, आप मुझे निकाल के दिखा दो कहीं से भी, ठीक है। ऑलराइट, नाउ For example, we can see that that these two shapes are not translated. Okay, they are not translated. They are reflected. How I realize this that it is reflected because if I connect the corresponding points, the lines are straight parallel. Yes or no? नजर आ रही है बेटा, सारी lines parallel हैं. Is this clear? Okay. Now, this is my shape A and this is my shape B. That's for sure. It's a reflection. It's a reflection. Okay. आपने इसको reflection की mirror line कैसे find out करते हैं? किसी भी दो corresponding points को connect कर लें और उस line को काट लें तो center में आपके पास mirror line आएगी। तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो mirror line है बिल्कुल इसके center में आ रही है, यहाँ पर आएगी तो ये आपके पास होगी इसकी mirror line और इस line का नाम होगा क्योंकि यहाँ पर होता है 0.5, तो mirror reflection at x is equals to 0.5 or 1/2 और 1/2. Is this clear? For example, अगर आपको कोई examiner कहता है कि अब आप खुद reflect करके बताओ मुझे, तो reflection करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं, लेकिन थोड़ा सा concept student को आना चाहिए तो आप लोग easily reflect कर पाओगे। देखिए जैसे मैं अब यहाँ पे एक shape आपके सामने बनाता हूँ, इसी तरह के past paper questions होंगे, लेकिन अगर topic आएगा तो फिर तभी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो examiner कहता है कि reflect तो नीचे कर लेते हैं, इनके शेप इधर आ जाए, reflect a in the line y is equals to -2। अब देखें जरा, y is equals to -2 origin से नीचे होगा, ये -1 और ये हो गया -2, so y is equals to -2, this is the mirror line। अब ये मेरा मिरर है, ये मेरा शीशा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस लाइन को फ्लिप करना है, तो ये यहाँ से 4 boxes दूर है, तो ये यहाँ से 4 boxes दूर यहाँ पर आएगा। Is this clear everybody? This is 4 boxes away from this point, so that will be right here. But this particular point is 6 boxes away, so I have to go 6 boxes away like that. So let's connect them. So you can see that these two shapes are what? Flipped. ये हो गया आपके सामने flip. Is this clear everybody? Yes or no?
और देखें अगर आपको इसकी मिरर लाइन निकालनी पड़ती तो जरा एवरीबॉडी प्लीज फोकस, अगर ये पहले से होते तो मैंने इन दोनों को जरा ज्वाइन कर लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप इस लाइन को दरमियान से काटते हैं तो देखो ये रेड लाइन कटती कि नहीं कटती, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते थे ना कंपास के जरिए। मिरर लाइन के लिए यू नीड ओनली वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कीप दिस इन माइंड, ठीक है। ऑलराइट, थर्ड वन इज रोटेशन आखिर में कराता हूँ, पहले इनलार्जमेंट करा लेता हूँ, ठीक है। रोटेशन थोड़ी सी जरा लेंथी है। इनलार्जमेंट इज इन एग्जाम फॉर 3 मार्क्स, ये 3 नंबरों के लिए पेपर में आती है, ठीक है। पहला नंबर आपको मिलता है नेम लिखने के ऊपर, और नेम आप क्या बताते हैं कि जी ये इनलार्जमेंट होती है, ठीक है ठीक है। सेकेंड वन इज स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर, अच्छा पेपर में स्केल फैक्टर कैसे कैसे आ सकते हैं, 2 आ सकता है तो 2 का मतलब होता है डबल, 3 आ सकता है तो 3 का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रिपल होती है शेप। 1/2 का क्या मतलब है बेटा, हाफ होती है। -2 का क्या मतलब है, डबल भी होती है और फ्लिप्ड भी होती है। -1/2 का क्या मतलब है, हाफ होगी लेकिन एट द सेम टाइम फ्लिप्ड भी होगी। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? जी खान साहब, व्हाट आर यू सेइंग? नहीं, कुछ नहीं, बस ठीक है। ठीक है, समझ आ गया ना, ये स्केल फैक्टर्स आपके पास पेपर में आ सकते हैं। अच्छा ये जरा कॉमनली दिमाग में बिठाएं और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें भी। 2 का मतलब होगा कि शेप डबल हो जाएगी, 3 का मतलब है कि ट्रिपल हो जाएगी, 1/2 का मतलब हो जाएगा कि हाफ हो जाएगी, माइनस अगर आ जाए तो उसके साथ जो नंबर हो वो काम होगा और साथ में शेप फ्लिप भी होगी, माइनस जो है शेप को फ्लिप करेगा, ठीक है। माइनस रिप्रेजेंट फ्लिप, अभी देखिए ये -1/2 लिखा है तो हाफ तो होगी ही होगी लेकिन साथ ही साथ ये फ्लिप भी हो जाएगी, कीप दिस इन माइंड, ठीक है। और तीसरा मार्क मिलता है आपको सेंटर से, और सेंटर फाइंड करने का तरीका क्या होता है, जॉइन टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, जॉइन टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स विद ईच अदर। मैं यहाँ पे जरा कुछ एक एग्जांपल के तौर पे करने की कोशिश करता हूँ, तो होपफुली इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी, क्योंकि ये 3 और 2 है तो मैं यहाँ पे जरा इसको कर लेता हूँ 1.5 और 1, हाफ कर रहा हूँ मैं, देखिए प्लीज। ऑल राइट, सो सी इट्स शेप ए एंड दैट इज बी, सो डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट हैपेंड इफ, यहाँ पे इंग्लिश का स्टेटमेंट ऐसे होता है, अच्छा ये लिख देता हूँ, डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। आई नो बेटा कि आप लोग थक गए हैं लेकिन मैं आपको क्या कहूँ, आपके लिए जरूरी है। That maps shape A onto B. अब जरा देखें बेटा, A B पे जा रहा है, तो A B पे जा रहा है तो जरा पहले देख लें कि ये इसका नाम क्या है बेटा। जी जरा बताएं क्या हुआ है बेटा, इनलार्जमेंट हुई है कि नहीं, ये वेरी गुड। सेकंड देखें स्केल फैक्टर क्या है, A B पे जा रहा है, 2, 1/2 देखे यहाँ पे 1 बॉक्स है और ये 2 बॉक्सेस हैं, इट्स डबल्ड। ये 1/2 किसने बोला है सर सर आई थॉट कि लाइक बी टू ए इट वाज ए टू बेटा, बी यहाँ पे देखना है ए टू बी लिखा हुआ है, बी टू ए इज हाफ, ठीक है। लाउन लेट्स फाइंड आउट दैट हाउ व्हाट इज द सेंटर, तो सेंटर के लिए मैंने ऊपर इंग्लिश में लिखा था जॉइन टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, सो जरा देखें एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है ना ये टॉप टॉप है, तो पहले मैं इन टॉप टॉप को ज्वाइन करूंगा, रेड टू रेड ज्वाइन कर लेता हूँ मैं, ये रेड लाइन लगाता हूँ मैं ताकि ये मैंने एक ज्वाइन कर लिया। ओके लेट्स कनेक्ट अनदर 2, सो दूसरे 2 को कर लें कनेक्ट, दूसरे 2 करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को मैं ब्लू लाइन ले लिया है, तो देखें ये कनेक्ट हो गया इससे। आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स कहाँ से करेस्पॉन्ड कर रहे हैं, जी सर। यस और नो, दिस इज माय सेंटर, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। सर ये तीनों यस लिंक और कर, नो? बेटा 2 कर लो तो तीसरा भी कर लो, तो कोई इतनी बड़ी तूरा तो नहीं मारनी है आपने। आप ये देख लो ना भाई, मैं आपको जो आसान चीज बता रहा हूँ आप लोग करो, आपने ये लाइनें मिटानी है वहां पे, अच्छा
देखो मैं तीसरा भी करता हूँ तो वहीं पे जाएगा, जा रहा है कि नहीं? सर वो रोटेशन का सेंटर फाइंड कर ओके ओके आ रहा हूँ, बस अभी मैं रोटेशन भी आ रहा हूँ जी। क्लियर है बेटा? तो स्केल फैक्टर हो गया ये, और ये सेंटर हमारे पास ये है, और ये ग्रिड पे कोई ना कोई वैल्यू रखता है, और इंशाल्लाह मैं ये इस क्वेश्चन मुझे लगता है कल ही करने पड़ेंगे, तो हम लोग अभी इसको करते हैं, रोटेशन पे चलते हैं, थर्ड वन। बेटा किसी का ट्रांसलेशन रिफ्लेक्शन और एनलार्जमेंट में कोई क्वेश्चन है? क्योंकि बस अभी ये बिल्कुल लास्ट लास्ट टाइम पढ़ाई जा रही हैं चीजें। सर। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है? मई जून 2023 बैच की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन रोटेशन, ये सब मैंने वन बाय वन एक एक वीडियो में पढ़ाया हुआ। जी बोले। सर व्हाट अबाउट रिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू x? वाई इज इक्वल टू इसके एक्स, लिए इट्स अ मैं पीस ऑफ रूट्स केक यार, लिखती तो इट्स अ पीस ऑफ केक, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है इसमें। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लें, जैसे ये एक लाइन है आपके सामने, मैंने ग्रेड लगा दिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे पहले एक शेप बना लेता हूँ, क्योंकि शेप बनेगी तो फिर हम उसको रिफ्लेक्ट कर सकेंगे ना y इज इक्वल टू एक्स पे। इज दिस क्लियर? यस और नो? क्लियर। अब आपको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स इज विच लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, एग्री? यस और नो? ठीक है, सो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स लाइन, सो दिस इज व्हाट माय मिरर लाइन इज। तो अब इस शेप को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है, तो ये शेप यहाँ पे रिफ्लेक्ट कैसे होगी जरा मुझे बताएं, विद द हेल्प ऑफ रूलर। विद द हेल्प ऑफ रूलर आपने अपने पेज को थोड़ा सा ऐसा रोटेट करना है कि बिल्कुल ये शेप आपके बिल्कुल सामने हो, मिरर लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो आपके सामने, ठीक है? आपने करना ये है कि रूलर की मदद से यहाँ पे एक लाइन लगानी है, एरो, ये वन बॉक्स अवे है, एक मिनट सॉरी एरो टिल्ट हो गया, ये वन बॉक्स अवे है, तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? नहीं, दिस इज हाफ बॉक्स अवे, सो दिस पॉइंट विल बी हेयर, सो दैट ऑटोमेटिकली सेज दैट दिस पॉइंट विल बी हेयर। तो क्या ये रिफ्लेक्ट हो गया बरीरा? जी सर। बेटा जब भी आप रिफ्लेक्शन कर रहे हो तो मिरर लाइन को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल अपने सामने रखें। इज दिस क्लियर? यस सर। शेप फ्लिप करना आसान हो जाएगी। चलो लास्ट वन पे आ जाओ बेटा, रोटेशन। रोटेशन जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सबसे ट्रिकी होता है, लेकिन इसका सिर्फ एक नंबर ट्रिकी है, मतलब 10 नंबर का सवाल आ जाए तो 9 मिल जाते हैं, 10वां फाइंड करना मुश्किल होता है, लेकिन वो भी आसान होता है अगर आप लोगों को समझ आ रही हो तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोटेशन का मतलब है कि शेप रोटेट होगी, ठीक है? अब ये समझ जाने जरा थोड़ा सा, ओ लेवल्स के अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गेम है, ठीक है? अब आपको पता है कि क्लॉक क्या होता है और एंटी क्लॉक क्या होता है, मैं इस डिबेट में नहीं चलूंगा, ठीक है जी? रोटेशन के एंगल्स क्या क्या आते हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, क्लॉकवाइज आ सकता है और एट द सेम टाइम एंटी क्लॉकवाइज भी पेपर में आ सकता है, ठीक है जी? इसके अलावा कोई और फजूल एंगल नहीं होते, ठीक है? तीसरा नंबर इसमें मिलता है सेंटर का, एक नंबर होता है नाम लिखने का, एक नंबर होता है रोटेशन का सेंटर फाइंड आउट करने का, और एक नंबर होता है 180 डिग्री और 80 डिग्री सॉरी 180 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल बताने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस एवरीबॉडी, आई एम गोइंग टू रोटेट दिस शेप। जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरीबॉडी प्लीज सी, मैं इस शेप को थोड़ा सा रोटेट करना चाहता हूँ, प्लीज पे अटेंशन ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए, ठीक है जी? आई वॉन्ट टू रोटेट दिस शेप एंड दिस इज माई सेंटर, ये मेरा सेंटर है, ठीक है जी? मैं इस सेंटर से इसको रोटेट करना चाहता हूं और 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज कर रहा हूं, क्लॉकवाइज मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, क्योंकि पेपर में ग्रिड अवेलेबल होगा तो ग्रिड के जरिए ही रोटेशन सीखें तो ज्यादा आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, पेपर में इस कॉर्नर्स के नाम नहीं होते, आप नाम दे देना इसको, ए बी सी, तीन नाम दे दिए मैंने, ओके। सेंटर को ऐसा करते हैं एक्स नाम देते हैं, क्योंकि दो सी हो गए मेरे पास, ये हो गया जी मेरे पास एक्स। चलें जी, जब मैं ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्ट करूंगा सेंटर के साथ, अब जाहिर सी बात है मुझे इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, सो सी जब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये पॉइंट यहां पर आएगा एवरीबॉडी के, नहीं? यस और नो? यस और नो? यस सर। ओके जी, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सी डैश। नाउ यू कैन सी दैट इट्स अ 90 डिग्रीज रोटेशन, तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये यहाँ पर ऊपर हो जाएगी वर्टिकल, तो ये बी वाला मेरा आ जाएगा इसके ऊपर, बी डैश। अब 90 डिग्रीज रोटेशन में आपको ये भी पता है कि ये वर्टिकल लाइन जो है ये अब वहां पे जाके होगी हॉरिजॉन्टल, तो
तो ए वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास जाएगा यहां पर ए डैश। जी आ गया बेटा सबको, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? सर इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? सर इसमें सेंटर मेंशन किया ना, सेंटर फाइन कैसे करते हो? हाँ मैं अभी आ रहा हूँ उसी पॉइंट के ऊपर भी, ठीक है क्लियर है सर? इसकी इससे आसान हम ट्रांसपेरेंट पेपर यूज नहीं कर सकते बेटा? ट्रांसपेरेंट पेपर हम लोग इस्तेमाल कर बिल्कुल, हाउ टू फाइंड फाइंड आउट अ सेंटर ये इलाक, डोंट यू वरी, मैं भी बता रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ बेटा, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेसिंग पेपर वगैरह। लेकिन ट्रेसिंग पेपर का ये प्रॉब्लम है कि बाज़ औक़ात हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि बाज़ औक़ात वो लोग फिर ट्रेसिंग पेपर लेके जाते हैं तो वो लोग लेके जाने नहीं देते एग्जामिनेशन सेंटर में। सेकंड, कभी वो पेपर एग्जामिनर से मांगते हैं तो एग्जामिनर उनको प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है? सो लिहाजा इस टेक्निक के ऊपर मैं बच्चों को रिलाई करता हूँ। ट्रेसिंग पेपर की टेक्निक है लेकिन वो इतनी रिलायबल नहीं है कि मैं उसके ऊपर आप लोगों को कहूँ कि आप लोग उसके लिए आप लोग ट्रेसिंग पेपर को इस्तेमाल करो। और दूसरा, ट्रेसिंग पेपर जो है सेंटर फाइंड आउट करने के लिए नहीं, रोटेट करने के लिए फाइंड आउट होता है, ठीक है सर? हम अपने साथ सर में रोटेट लेकिन सर सिखा तो देना, अगर ले गए तो सही है, वरना नहीं ले गए तो ये आपको ट्राई कर लेंगे। तो देखें मेरी बात सुने, उसका तो कोई, देखें मेरी बात सुने, सेंटर फाइंड आउट करने के लिए ट्रेसिंग पेपर इस्तेमाल नहीं होता, रोटेट करने के लिए होता है, ठीक है? और मैं ऐसा करूंगा, एक छोटी सी एक वीडियो बना के वो मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ट्रेसिंग पेपर मुझे फिजिकली शो करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है? भाई पैड के ऊपर मैं ट्रेसिंग पेपर रखूं तो आप लोगों को नजर तो नहीं आना है, ठीक है? ठीक है बेटा, नाउ नाउ इट कम्स दैट हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर, ठीक है जी? अब जरा इधर देखें बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक और ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं ग्रीन ट्राइंगल भी बना रहा हूँ यहाँ पे, और मैं वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, ये मैंने ग्रीन इंक से लिखा है तो समझ आना 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब है ये है ना, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये सी पॉइंट जो है वो यहाँ पर चला जाएगा, राइट अरबाब? यस सर। यस और नो? यस सर। ओके जी, बी पॉइंट जो है वो मेरा यहाँ पे जाएगा, इज दिस क्लियर? सर कितनी डिग्री रोटेशन है? 180 डिग्री बेटा। हाँ फिर सही है, ठीक है ओके। ए पॉइंट कहाँ जाएगा, नीचे या ऊपर? नीचे। नीचे जाएगा क्योंकि ये रोटेशन है, रिफ्लेक्शन नहीं, इज दिस क्लियर? तो ये हो गया जी मेरा ये वाला पॉइंट। जी बेटा समझ आ गई, इट्स अ 180 डिग्रीज रोटेशन। ए पॉइंट नीचे क्यों आया है, ऊपर क्यों नहीं गया? ऊपर जाता तो वो रिफ्लेक्शन हो जाती, रोटेशन ना होती, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? और जरा देख लो आप लोग, अगर मैं इसको ये रूलर रख रहा हूँ जरा, सेंटर और ए, देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है, यस और नो? अच्छा ये मैंने नाम गलत दिया खाली, ये वाला नाम सी, ये सी डैश है बेटा, पे अटेंशन है, जिसको समझना है साथ ही माइक ऑन करो, देख ले बेटा, सी और सी डैश स्ट्रेट लाइन, बी और बी डैश स्ट्रेट लाइन, सो इट्स परफेक्टली 180 डिग्रीज रोटेटेड, ठीक है जी? अगर गलती से आपने ए डैश ऊपर लगाया होता ना तो वो रिफ्लेक्शन होती, रोटेशन नहीं, ठीक है जी? अब मैं यहाँ पे नोट बना रहा हूँ, जरा देखें भाई, टू फाइंड आउट, ये जरा याद कर लें बस, टू फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, तो पेपर में दो ही चीजें हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की डिबेट तो आसान है। 90 डिग्रीज रोटेशन के लिए, रोटेशन के लिए 90 डिग्रीज रोटेशन के लिए ड्रॉ टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर। जी बेटा कैन यू यूज अ सेट स्क्वायर? मैं तो सेट स्क्वायर यूज करके लाइक फाइंड करती हूं मोस्टली। वो सेट स्क्वायर फाइंड करती हो, स्क्वायर से करती हो या मैट्रिसेस से करती हो, जिससे भी करती है कर सकती है, ठीक है? लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सेंटर ओरिजिन होना तो बहुत आसान होता है, ठीक है? ओके सर। उसमें प्रॉब्लम ये होती है, सेंटर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है ना, तो फिर वहां पे वो अक्सर काम नहीं कर रहे होते। सर सेट स्क्वायर से कैसे करते हैं? हां मैं सेट स्क्वायर सर कैसे करते हैं? नहीं सेट स्क्वायर के ऊपर मैं जा ही नहीं रहा आप लोगों के लिए, ठीक है? ठीक है, आई डोंट रिकमेंड दैट प्रोसीजर, ठीक है? मैं उस प्रोसीजर पे नहीं जाऊंगा सेट स्क्वायर के जरिए, क्योंकि वो इतना रिलायबल नहीं है, हर एक सेंटर पे वो अप्लाई नहीं होता सही तरीके से। सो मैं बच्चों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को रिकमेंड करता हूं, और बगैर कंपास के करूंगा, अभी देखेंगे आप लोग। 90 डिग्रीज के लिए वी नीड टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स,
और अभी 180 डिग्री के लिए ये बहुत आसान है, अभी आपको समझा देता हूँ 180 डिग्रीज के लिए रोटेशन का सेंटर जो है वो फाइंड आउट करने के लिए वी नीड ओनली ड्रॉ वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके लिए एक ही चाहिए होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जरा देखें जी प्लीज, ये जो शेप्स मैंने ऊपर बनाई है ना, मैं इन्हीं शेप्स का जरा मदद लूंगा क्योंकि आप लोगों को ये शेप जरा समझ आई हुई है अभी, तो मैं इन्हीं शेप्स की हेल्प ले रहा हूँ कि इनका मैं सेंटर निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जरा प्लीज पे अटेंशन। अच्छा तो ये थ्री बॉक्सेस और टू बॉक्सेस अभी मैंने बनाया है, एक मिनट के लिए बस गौर करें आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये फोर बॉक्सेस तो ये था थ्री बॉक्सेस, बस ये मैं जरा जल्दी में कर रहा हूँ ताकि बस आप लोगों को जरा थोड़ा सा समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई सेंटर सी, ओके एक शेप ऊपर बनी है टू बॉक्सेस ऑफ जी अरबाब, अरबाब जी मैंने सेंटर बिठा दिया, ठीक है मैंने सेंटर बिठा दिया, अभी हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मुझे बताएं, ये रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है या एनलार्जमेंट है? सर आप लाइंस मीट कर दे, अगर पैरेलल हो तो रोटेशन होगी, अगर नहीं रिफ्लेक्शन होगी। चलें जी तो रूलर रख के देख लेते हैं, बल मीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो ये कॉर्नर मीट कर रहा है इसके साथ, स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये कॉर्नर मीट कर रहा है इसके साथ और ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी, यस और नो? तो पर ये रोटेशन होगी, तो इट्स अ रोटेशन, सो लेट्स प्रोसीड। सो अगर पेपर में क्वेश्चन होता है डिस्क्राइब, fully single transformation that maps A onto B, A onto B, pay attention everybody, ठीक है जी। पहला नंबर मिल गया हमें रोटेशन लिखने पे, ठीक है खान साहब। दूसरा नंबर मिल गया 90 डिग्रीज एंगल है, ठीक है, और ये क्लॉक वाइज है, दो नंबर मिल चुके हैं, ठीक है जी। और तीसरे नंबर सेंटर की इतनी परवाह नहीं करनी कि तुम लोग सेंटर की टेंशन लेके पेपर में घबरा रहे हो, ठीक है, समझ आ गई आपको? इज दिस क्लियर? तीसरा हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि सेंटर क्या है, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा जरा एक मिनट सब करेंगे, ये थोड़ा सा मैंने जो ये शेप है ना थोड़ी सी नीचे बना ली है, तो मैं इसको उठा के ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि सेंटर जरा इसका सही निकले। ऑलराइट चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री मार्क्स इज इक्वल टू रोटेशन, यस थ्री मार्क्स इज इक्वल टू रोटेशन। अब तीसरा नंबर निकाल रहा हूँ ये इलाक सेंटर का, तो सेंटर के लिए ऊपर मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ड्रॉ टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे ड्रॉ करें, चेक ये शेप्स को गौर से देख लें बेटा, जरा देख रहे हैं बेटा सबने, देख प्रोसीड कर सकता हूँ, आई एम ड्रॉइंग फर्स्ट वन, कैन आई प्रोसीड, यस और नो बेटा? प्लीज प्लीज प्लीज। So see that this is my first corresponding point. Agree everybody? Thank you. Join कर लें इसको जरा। Okay. अब बारी है इसको आधा करने की, half करने की। और grid में half करना बहुत आसान है। आपको जो line half करनी है उसको बिल्कुल अपने सामने रखो, horizontal करो। और आपको नजर आ रहा है कि grid में half ये वाला point यहाँ पर आएगा। Yes or no? अरबाब, yes or no बेटा? Yes sir. तो ये रेड लाइन में यहाँ पे लगा देता हूँ, ये मेरी रेड लाइन जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी येलो की, यस और नो? यस और नो अरबाब? रेड लाइन का हिसाब है बेटा, देखो ये पहले येलो लाइन देखो, सब मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा पहले येलो लाइन मैंने ड्रॉ की है क्योंकि मैंने करस्पोंडिंग पॉइंट्स का आपस में मिड पॉइंट निकालना है ना, यस और नो? ठीक है, ओके जब मैंने इस लाइन को काटना है तो इस लाइन को बिल्कुल अपने सामने सीधा करके रखना है ताकि ये आपके सामने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है कि इसका मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका ये है, तो कंपास वाला तो तरीका है ही है, तो हम लोग इसका तरीका हम लोग यहाँ से मैन्युअली निकालते हैं कि ये मेरा मिड पॉइंट है, यस और नो? ठीक है, अब मैं यहाँ पे रूलर रख के जो है ना मैं एक लाइन खींच लेता हूँ ये ब्लू पॉइंट से, ताकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ हो जाए, ठीक है जी। तो ये मैंने लगा दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सब अगर मैं एक कलर चेंज करना चाहता हूँ, ये ग्रीन कलर कर लेता हूँ मैं। ऑलराइट अरबाब समझ आ गई बेटा?
जी सर। अब मैंने बेटा ये मैंने मिटा दिया था, ठीक है जी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ग्रीन लाइन छोड़ दिया मैंने एग्जाम में, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कौन सा ड्रॉ करें बेटा, करीब करीब वाला करा करें, ज्यादा आसान होता है। कौन सा ड्रॉ करें, 90-90 वाला कर लें, 90-90 वाला कर लें। चलें जी 90-90 वाला कर रहा हूँ, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कलर ले लेते हैं येलो, पहले पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये पेपर पे बहुत खूबसूरती से होता है, ठीक है, यहाँ पे आईपैड पे थोड़ा सा पेंसिल स्केच करती है। ऑलराइट, तो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को किया ज्वाइन, ठीक है जी। अब ये पॉइंट्स थोड़े से दूर हो गए हैं, यहाँ पे ग्रिड की मदद हम लोग हाफ नहीं कर सकते, लेकिन हम रूलर की मदद इसमें भी ले सकते हैं। अगर मैं रूलर को थोड़ा सा एडजस्ट करके करूँ, मैं काउंट करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 आ रहा है, राइट अरबा? यस सर। बेटा ये रूलर के ऊपर स्केल जो लिखा होता है ना, 6.8 आ रही है वैल्यूज बीच में, ठीक है, तो 6.8 का हाफ होता है, हाँ, तो 3.4 हो जाएगा ना, 6.8 का हाफ 3.2, यस और नो? जी। तो 3.2 हो जाएगा, 1, 2, 3, 3.2, तो ये मेरे पास 3.2 कुछ यहाँ पर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे खाली एक लाइन लगाई, डॉट लगा दिया, ठीक है। अब मैं रूलर को इस तरह रखूंगा परपेंडिकुलरली, ठीक है, 45 डिग्रीज की एंगल के ऊपर, कि ये दोनों लाइनें जो है ना आपस के अंदर थोड़ा सा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना ये ड्रॉ हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ हो तो वो कुछ इस किस्म से बन रहा है हमारे पास, सी, एक येलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और एक ग्रीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एंड दे बोथ आर मीटिंग एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से मीट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्रीज का रोटेशन बनेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप लोगों को ये येलो वाली टेक्निक, आपको ये जो पॉइंट वाली टेक्निक है ना, अगर आपको मुश्किल लगे तो ये एक चीज जरा थोड़ा सा याद रखें, आपके पास एग्जाम है, ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास ऑलरेडी होगा, तो अब ये येलो लाइन है, तो येलो लाइन का डिस्टेंस मैं जरा देख लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 6। तो देखें बेटा, मैं इधर ये येलो लाइन को काटने का तरीका बता रहा हूँ, इधर देखें बेटा प्लीज, 6, 6, 6, 6, ये देखें जी, ये येलो लाइन का डिस्टेंस है, ये ऊपर जो हमारे पास है, ठीक है। हाउ टू बाइसेक्ट, ठीक है, टू बाइसेक्ट, ये भी मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया आपका, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। तो स्टेप है, ओपन द कंपास, ओपन द कंपास, मोर देन अ हाफ, हाफ से ज्यादा ज्यादा जो है इसको आप वो करें, ठीक है। सेकेंडली, एक दफा यहाँ पे पॉइंट आउट करके एक दफा आर्क ऊपर लगा दें, एक दफा आर्क नीचे लगा दें, फिर यहाँ पे कंपास रख दें विदाउट चेंजिंग, एक आर्क ऊपर एक नीचे। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री में काट देगा इसको, ठीक है। इज दिस क्लियर? अब जरा चलते हैं ऊपर वापस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। हमें पता है कि हमारा सेंटर जो है वो कुछ ये वाला सेंटर हमारे पास मौजूद है, हमें पता है इस चीज के बारे में, क्योंकि अरबाब 90 डिग्रीज है ना अरबाब, तो 90 डिग्रीज है तो स्ट्रेट अवे मुझे नजर आ रहा है कि यार दिस इज 3 ब्लॉक्स अवे एंड दिस इज 3 ब्लॉक्स अवे, एग्री? तो ये 90 तो बन रहा है, एग्री? लेट्स डिसाइड फॉर द अदर पॉइंट। सो ताह, कैन यू हियर मी? काशिफ या इलाक? जी सर। बेटा अगर दूसरे पॉइंट के लिए डिसाइड करना है तो इसी ब्लैक पॉइंट के साथ मैं वो सेंटर ज्वाइन करूंगा, ठीक है, जरा पे अटेंशन, अच्छा गौर से देखिएगा कि फिर समझ नहीं आती फिर। तो ये मैंने थोड़ा सा मार्कर टाइप ले लिया है ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, मैं इस सेंटर के साथ जा रहा हूं, देखो। अच्छा काशिफ पे अटेंशन, ये सेंटर हो गया, ओके, ये वाला पॉइंट कुछ यहां पर है काशिफ? जी सर। काशिफ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज टू मार्कर ग्रीन लाइंस, क्या ये 90 बना रहे हैं? जी सर, बना रहे सर। बिल्कुल, तो ये हमारा यही सेंटर मौजूद है, इज दिस क्लियर? जी सर। अच्छा, अब आती है बारी 180 डिग्रीज रोटेशन की, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए होता है और हमारी गेम ऑन हो जाती है, ठीक है नहीं? तो बस इधर देख लें, 3, मैं इसको जरा थोड़ा सा 180 डिग्रीज रोटेट कर रहा हूं,
चलें जी, 180 डिग्रीज की रोटेशन आपके सामने मौजूद है। अब इसका आपके सामने अगर कोई भी 180 डिग्रीज की रोटेशन हो तो इसका सेंटर फाइंड आउट करना जो है वो पीस ऑफ केक है। इसमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाना होता है, तो आपने आसान वाला लगाना है। तो आपको पता है अरबाब कि इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पीस ऑफ केक है, यस और नो? यस और नो बेटा, देख लो यहाँ पे फोर बॉक्सेस हैं, तो इस फोर बॉक्सेस का सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा कि नहीं, यस और नो? तो दिस पॉइंट इज योर सेंटर, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, आपको 180 डिग्रीज की रोटेशन का सेंटर मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? जी जी क्लियर है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, ये ग्रिड बन चुका है, ये सेंटर मेरे सामने है। अगर मुझे 90 डिग्रीज रोटेट करना है तो मैं ब्लू से कर रहा हूँ, तो 90 डिग्री क्लॉक वाइज जा रहा हूँ, तो देखो ये वाला पॉइंट मेरा आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला पॉइंट चला जाएगा यहाँ पर, ये थ्री बॉक्सेस अवे हो गए, इधर ये हो गया रोटेट 90 डिग्रीज, यस और नो? राइट अरबाब? अब मैं अगर इसको यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ नीचे, 90 डिग्रीज नीचे रोटेट कर रहा हूँ, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा मेरा यहाँ पर, ये वाला पॉइंट आ जाएगा मेरा यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा मेरा यहाँ पर। राइट अरबाब? जी सर। देख ले बेटा, 1-2 पे जा रहा है क्लॉकवाइज 90 डिग्री, 2-3 पे जा रहा है। मैं ये सोच रहा हूं कि एक मार्क मुझे चाहिए भी नहीं है, जितना कंफ्यूज करा दे। नहीं नहीं देखो ऐसे नहीं ना, आप इसको ट्राई करेंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है? डोंट यू वरी अबाउट दैट, ठीक है? इससे बेहतर है कि मैं सेंटर फाइंड ही ना करूं। नहीं तो आप इससे बेहतर आप ट्राई तो करें ना, गलत हो जाए तो वो एक अलग बात है ना, आप एटलीस्ट ट्राई तो करें ना। ठीक है, बस ये याद रखो 90 डिग्रीज की रोटेशन हो तो आपके सामने होता है टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 180 डिग्रीज की रोटेशन होता है वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। जी सर। आप चलो यार बच्चों, यार अल्लाह हाफिज़ यार, बस बहुत हो गया आज के लिए। क्या लेना है? मैं स्क्रीनशॉट में भिजवा रहा हूँ बेटा, नोट्स भिजवा रहा हूँ। कौन है बेटा आप? मैं मंसूर सर। बेटा मंसूर कौन, जरा अपना इंट्रोडक्शन तो एटलीस्ट दे दो। सर वो